आज मुझे एक 26 साल की लड़की का मैसेज आया कि फैमिली की कंडीशन अच्छी होने के कारण मम्मी पापा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, बट इंग्लिश उसको शुरू से समझ में नहीं आई। किसी तरह से 10th स्टैंडर्ड तक उसको पास कर दिया गया, बट उसे कभी भी इंग्लिश सही तरीके से समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो चैप्टर्स पढ़ नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी। और 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद 4 बार वो 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में फ़ेल हुई। आप समझ सकते हैं कि उस लड़की की क्या पोजीशन रही होगी। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, आज भी बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अपनी आन बान शान के लिए इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा देते हैं पेरेंट्स, बट उसकी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता है। क्या बच्चा सही से स्टडीज़ को समझ पा रहा है, उसे लैंग्वेज सही से समझ में आ रही है, क्या उसको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। बस सिर्फ एग्ज़ाम में पास होकर आगे बढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 26 ईयर्स के एज में भी जब वो लड़की कुछ नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ के साथ, शी इज़ फीलिंग रियली बैड। तो आप सोचिए इस तरह के बच्चों की क्या पोजीशन होगी। जो हम लोग केस देखते हैं 10th स्टैंडर्ड में बच्चे ने ये कर लिया, ये कदम उठा लिया, वो कदम उठा लिया, क्यों? इतनी बार फेल होने के बाद और बच्चा क्या कर सकता है? उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है और उसकी प्रॉब्लम समझने वाला कोई नहीं है। सिर्फ उसको जज किया जाता है कि तुम्हें ये नहीं आ रहा है, तुम्हें वो नहीं आ रहा। हमें यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत होती है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मीडियम में, अगर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उन्हें रीड करना नहीं आता है, उन्हें स्पेलिंग्स लर्न नहीं होती है, तो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। 7th 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचने के बाद बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से रियलाइज़ होती है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पर है। और उस समय उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह लोग उसे जज करते हैं कि तुम तब इतने बड़े हो गए, इतने सालों से पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम वो नहीं कर पा रहे हो। शुरुआत से उसकी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करो, रटो और जाकर एग्ज़ाम देकर के आ जाओ, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, एग्ज़ाम देकर आ जाओ। इवन कि ट्यूशन क्लासेस में भी यही होता है, कोचिंग क्लासेस में भी यही होता है। 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर कोई क्लास में जा रहा है और वहाँ पर अगर उसको रीडिंग राइटिंग नहीं आती है तो उसको जज किया जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम्हें आ नहीं रहा, ये आपका बच्चा सही नहीं है, इसको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। इवन 3rd 4th स्टैंडर्ड में भी अगर रीडिंग राइटिंग नहीं आती है तो उनको इसी तरह जज किया जाता है, कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि अब तो उसको क्वेश्चन आंसर लर्न करने का टाइम आ गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। मेरे पास आते हैं पेरेंट, मैम इसको एग्ज़ाम की तैयारी करवा दीजिएगा, 5th स्टैंडर्ड में है, बट 5th स्टैंडर्ड में तो कोई ज़रूरी है कि वो उसका वो बेसिक क्लियर ही होगा? हो सकता है उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको क्या करवाना है? उसका बेसिक क्लियर करवाना है, चाहे वो 7th में है, चाहे वो 8th में है, चाहे वो 10th में भी क्यों नहीं है। आज मैं 10th के भी ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ जिसको रीडिंग नहीं आती है बट 10th क्लियर कर लिया है, न हिंदी रीडिंग आती है न इंग्लिश रीडिंग आती है। सो थिंक एंड पास दिस मैसेज टू अदर पीपल ऑल्सो, ताकि बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम को फेस न करें। आज से 10-12 साल के बाद जब आपको पता चलेगा कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है तो आपको कितनी तकलीफ होगी और उस बच्चे की क्या पोजीशन होगी। जस्ट थिंक फॉर इट।